आप देख रहे हैं TNB। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश के बाद अब प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। बता दें कि इसके बावजूद भी बरेली वासी कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, अधिकांश स्थानों पर ना तो लोग मास्क लगाए हुए नजर आते हैं और ना ही 2 गज दूरी का पालन कर रहे हैं। बता दें कि ये लापरवाही कहीं बरेली वासी को भारी ना पड़ जाए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कई देशों में तबाही मचा रखी है। ऐसे में बड़े शहरों में बेहद सतर्कता बरती जा रही है, जबकि बरेली के अधिकांश स्थानों पर लोग कोरोना संक्रमण को लेकर बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसा तब है जब कोरोना की दूसरी लहर ने शहर में बड़ी तबाही मचाई थी। वहीं शनिवार को शहर के कुतुबखाना क्षेत्र, जिला अस्पताल रोड, पटेल चौक से लेकर नोवेल्टी चौक, गांधी उद्यान, सैटेलाइट रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस अड्डा, श्यामगंज समेत शहर के अधिकांश इलाकों में लोगों की भारी भीड़ रही, जिसमें से अधिकांश लोग ना तो मास्क लगाए हुए थे और ना ही 2 गज दूरी का पालन करते हुए नजर आ रहे। शहर में एक बार फिर लोगों को खतरे से सचेत करने के लिए लाउड स्पीकर पर नहीं बताया जा रहा है। जिस तरीके से ये लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये तो यही कहा जा सकता है कि कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। बाजार में होने वाली भीड़ कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है, जिम्मेदार भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से बेखौफ लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना के नए वेरिएंट से सतर्कता को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटी हुई है। शहर में तमाम स्थानों पर लोगों की जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर भी टीम जांच कर रही है। विदेश से आने वाले सर्विलांस की टीम नजर बनाई हुई है। बता दें कि सर्विलांस सेल प्रभारी डॉक्टर अनुराग गौतम ने बताया कि बीते दिनों विदेश से करीब 30 लोग शहर आए थे। इनमें से 9 लोग हाई रिस्क वाले देशों से लौटकर यहां आए हैं। बता दें कि 7 लोग दूसरे जिले के हैं। चंद्रनगर का रहने वाला एक शख्सियत मलेशिया से लौटकर वापस आया है। उसका पता अभी तक नहीं चल पाया, वो सर्विलांस की टीम से दूर बना हुआ है। इसके अलावा 29 लोगों को ट्रेस किया जा चुका है। उनके नजदीकी संपर्क में आए लोगों की भी जांच कराई जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की कई टीमों ने शनिवार को अलग अलग स्थानों से कोरोना की जांच के लिए नमूने इकट्ठे किए हैं। टीम ने एयरपोर्ट के साथ ही सैटेलाइट बस अड्डा, पुराना बस अड्डा, होटल द लेमन ट्री, अजंता फैक्ट्री समेत अन्य स्थानों से लोगों के नमूने लिए और उन्हें फिलहाल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। जिस तरीके से लगातार कोरोना एक बार फिर अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए आम जनता को कोरोना गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल को पालन करना बेहद ही जरूरी है। आप सभी मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का जरूर पालन करें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।